ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू निसान मैग्नाइट XV डुअल टोन। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको इसके और भी वेरियंट चेकआउट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स लगा दिए हैं, चेक कर लेना। घर बैठकर अपनी गाड़ी बुक करनी है तो हमेशा की तरह आपसे बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक भी है, आपको मिल जाएगा, उसको यूज़ करके आप घर बैठकर अपनी कार बुक कर सकते हो। प्लेलिस्ट ऑप्शन जरूर विजिट करिएगा, बहुत सारे और भी आपको लेटेस्ट ब्रांड्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लेटेस्ट लॉन्चेस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं, इसका जो क्लोज़ व्यू है वो आपको चेक करा देते हैं, पूरा जो इसका क्लोज़ प्रोफाइल है वो आप देख लो। ये आप देख रहे हैं XV मॉडल। सबसे पहले चलते हैं हेडलैम्प की तरफ। इधर आप देखते हैं तो आपको नॉर्मल हेडलैम्प्स प्रोवाइड करे गए हैं, पूरा जो क्रोम इंसर्ट है वो आपको दिया गया है। इधर नीचे आते हैं तो आपका पूरा जो बोल सकते हैं कि DRL है वो आपको अवेलेबल कराया गया, पूरा जो क्रोम बॉर्डरिंग है वो भी आपको देखने को मिल रही है, और इधर आपका फॉग लैम्प हो गया। कॉम्बिनेशंस आपको बताने कैसे लग रहे हैं। मैं अब चलूँगा ग्रिल की तरफ। बहुत ही ब्रॉड वाइड सी ग्रिल इधर प्रोवाइड करी गई है, निसान की ऑल न्यू ब्रांडिंग आपको मिलती है। ये आपको कैसी लगी, अगर आप पुरानी वाली से कंपेयर करते हो ब्रांडिंग से तो वो ज़रूर बता देना अपने व्यूज़। इसके साथ इधर भी आपको पूरा जो क्रोम बॉर्डरिंग है वो आपको देखने को मिलती है। अपनी जो जो आपका स्क्रिप्ट प्लेट एरिया है वो आप चेक कर लीजिए। इसके बाद मैं चलना चाहूँगा बोनेट की तरफ, और इधर आपको काफ़ी पैटर्न्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड करे गए हैं। डुअल सेटअप आपको वाइपर्स मिलते हैं। इसके बाद इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है, उम्मीद है कि पूरा आपको अच्छे से दिख गया होगा, अच्छे से मैंने पूरा आपको चेकआउट करा दिया है। जो भी रिलेटेड स्पेक्स होंगे वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे। अब इसकी जो की है वो दिखा देता हूँ। तो इधर आपको रिमोट कीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, ये आप देख सकते हैं रिमोट कीज़ आपको मिलती हैं। थोड़ा सा मैं और मूव कर देता हूँ जिसमें कि आपको अच्छे से दिख जाए। ये आप देख सकते हैं रिमोट कीज़ आपको मिलती हैं डुअल फिनिश पे। इसके बाद अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आप देख रहे हो, जैसी स्पेसेस है वैसे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर चलते हैं पास में। सबसे पहले आप ये बताना कि आपको ये डुअल कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है इस गाड़ी के ऊपर। जनरली वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशंस काफ़ी प्यारे लगते हैं, लेकिन आपके व्यूज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है हम लोगों के लिए। टायर्स की तरफ बढ़ते हैं तो सीएट के आपको इसमें टायर्स प्रोवाइड करे गए हैं। इसके बाद आपकी जो व्हील आर्च क्लैडिंग है काफ़ी ब्रॉड सी दी गई है, मैग्नाइट की ब्रांडिंग आपको इधर भी एम्बॉस्ड मिलती है, देख सकते हैं आप। ORVM आपको मिलते हैं आपके रूफ़ कलर पे, जैसे कि डुअल टोन वेरियंट है ये, पूरा ग्लॉसी ब्लैक इंडिकेटर इंसर्ट। इधर से पूरा आपका जो डुअल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है, अपनी जो रूफ़ है वो आप देख सकते हो, और इधर आपकी जो रूफ़ रेल है आपको ये बॉडी में इंसर्टेड मिलती है सिल्वर फिनिश के ऊपर। इसके बाद इसका जो हैंडल है, डोर हैंडल है, वो आप देख लीजिए, तो ये आपको पूरा क्रोम फिनिश पे प्रोवाइड करा गया है। कीलेस का पैच हो गया, काफ़ी ब्रॉड सा डोर हैंडल आपको इधर देखने को मिल रहा है। इसके बाद इधर भी आप देखते हैं तो साइड स्कर्ट्स भी अपनी चेक कर लो। हर तरफ ब्यूटिफिकेशन बहुत अच्छे से कंपनी ने किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त वाली बुकिंग्स मिली हैं इस गाड़ी को। ये सब तो आपको कम्युनिटी टैब में पता चलते रहता होगा, मैं हमेशा पोस्ट कर देता हूँ। इधर आप अपना फ्यूल इनटेक एरिया देख लो, जो भी सी कैपेसिटी होगी साइड्स में शॉर्ट्स में आपको दिख रही होगी। अब इसका बैक प्रोफाइल दिखाने से पहले इसका जो अदर साइड है वो मैं आपको पूरा चेक करा देता हूँ। अगर आप पूरी गाड़ी पे देखते हैं ना, तो इसके जो पैटर्न्स दिए गए हैं ना, उसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। जैसे आप देखेंगे जो स्लोप्स वगैरह इधर काम किया गया है, ये आप देख सकते हो। बाकी आप अपने व्यूज़ बताना कि आप मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो। बैक पे आ जाते हैं तो आपका हाइट स्टॉप लैम्प है, आपका डिफॉगर है, रियर वाइपर है, निसान की ब्रांडिंग है, मैग्नाइट की ब्रांडिंग पूरी आप देखते हैं क्रोम के ऊपर। इसके बाद आपका जो कैमरा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कैमरा प्रोवाइड करा गया, ये आप देख रहे हैं। पार्किंग सेंसर्स हो गए, और बहुत ही प्यारे से आपको टेल लैम्प्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको स्लोप्स की बात कर रहा था ना, ये आप देख सकते हो ना, काफ़ी अच्छा सा आपको डिज़ाइन इधर फील होगा। देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, पूरा मैं व्यू आपको दे देता हूँ। इसके बाद इसका जो बूट है, अब वो ओपन कर लेते हैं, अंदर की स्पेसेस देख लेते हैं कैसी दी गई हैं। इधर आप देखते हैं आपकी जो पार्सल ट्रे है वो आपको प्रोवाइड करी गई, कस्टमर सेंट्रिक एक इम्पॉर्टेंट फीचर। अपनी जो बूट स्पेस है वो आप देख लो, अच्छी खासी बूट स्पेस निकाली गई है, काफ़ी डीप स्पेसेस इधर प्रोवाइड करी गई हैं। जो लोग भी अब तक गाड़ी खरीद चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बता देना कि आपको इसकी स्पेस कैसी लगती है। बाकी मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, जो भी फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं जो ये वाला मॉडल देखना चाहते थे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। एक्सटीरियर मैंने पूरा कवर कर दिया है, और अब इसका जो इंटीरियर है वो आपको दिखाएंगे, वो आपको चेकआउट कराएंगे। इधर आप देखते हो अपना डैशबोर्ड,
डुअल कॉम्बिनेशन आपको इसमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा एयरी लगेगा। अभी अंदर चलकर डिटेल में बात कर लेंगे इसके बारे में। पहले मैं आपको डोर चेक करा देता हूँ। तो इधर आपकी डोर पॉकेट्स हैं, आपके पांडो कंट्रोल है, विंडो लॉक है, ओआरवी में एडजस्टमेंट है। लगभग आपको इधर 3 टोन मिलती हैं। ये आपकी फैब्रिक फिनिश आपको प्रोवाइड करी गई है। सीट आपको बैक हाइट दोनों मिलती हैं, मैनुअली एडजस्ट करना है। और आपके जो हेडरेस्ट हैं ये आपको एडजस्टेबल प्रोवाइड करे गए हैं। बाहर से ज़रूरत की जितनी बात थी दोस्तों हो गई है। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर डिटेल में बात करेंगे इस मॉडल के बारे में। दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। इधर आप देख रहे हो अपना पूरा इंटीरियर, अपना डैशबोर्ड, अभी मैंने साइड से और पूरी गाड़ी बाहर से आपको अच्छे से अपनी कोशिश में पूरी दिखा दी है। जैसी स्पेसेस थी वैसे मैं काम करने की कोशिश कर रहा था। इधर आप इसका जो इंटीरियर है वो चेकआउट कर रहे हो और मैं आपसे एक बात बोल सकता हूँ कि आपको बहुत ही लाइवली वाला फीलिंग आएगा जब आप इंटीरियर के अंदर आओगे। सबसे पहले चलते हैं इसका जो अपर पार्ट है डैशबोर्ड का, वो आप देख लीजिए। काफ़ी ब्रॉड सी स्पेसेस निकाली गई हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी लोगों को पसंद आया था जब मैंने इसका पहला वाला मॉडल इसका डिटेल वॉकराउंड रिव्यू आपने देखा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा आपको डिजिटल जो इसका मेन इंटरफेस है ना वो बहुत प्यारा लगेगा। जो कलर कॉम्बिनेशन हैं वो बहुत अच्छे यूज़ करे गए हैं इधर। बाकी फिर वही बात, कस्टमर इज किंग, आप अपने थॉट्स बता देना। टॉगल्स पे आते हैं तो इधर आपका वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। पीछे आ जाते हैं, इधर आपकी अब जो स्टेयरिंग है वो देख लो, डुअल कॉम्बिनेशन स्टेयरिंग आपको प्रोवाइड करी गई है। आपके जो मीडिया कंट्रोल्स हैं और इधर आप देखते हैं आपका जो MID कंट्रोल है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। निसान की ब्रांडिंग डुअल कॉम्बिनेशन की वजह से काफ़ी प्यारी सी स्टेयरिंग लग रही है। अपने AC वेंट्स देख लीजिए तो अगर आपको ये सेंटर से थोड़े चेंज मिलेंगे, साइज थोड़ा सा आपको इसका छोटा मिलेगा। नीचे आपका जो हेडलैम्प एडजस्टर है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। ड्राइवर साइड कवर हो गया है, जो भी रिलेटेड स्पेक्स फीचर्स जहां से भी होंगे वो आपको उधर ही देखने को मिल रहे होंगे। सेंटर में आ जाते हैं तो इधर आप देखते हो अपने बोल सकते हैं कि AC वेंट्स। ये थोड़ा सा साइज आपको बड़ा लगेगा इसका अगर आप इसको कंपेयर करते हो ड्राइवर को ड्राइवर से, जो मैं आपसे अभी बोल रहा था। और नीचे आ जाते हैं तो पूरा आपको स्टैंड आउट यूनिट पे आपका सिस्टम प्रोवाइड करा गया है। इसके लिए मैं पहले बात कर चुका हूँ, लिंक नीचे लगा दूंगा, साउंड चेक कर लेना आप। ये आपका जो हार्ड टच बटन्स हैं वो आपको प्रोवाइड करी गई हैं। इसके बाद आपको जो ये बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस दिया गया है, जो भी इसके अवेलेबल फीचर्स होंगे ना वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में दिख जाएंगे। ये पूरा आप इसका देख सकते हो, यहाँ पे टच का आइडिया आपको लगी गया होगा। इसके बाद इसमें कैमरा चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो केवल आपको इसमें जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो मिलेगा, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जो टॉप एंड है वो परचेज करने पड़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये मैंने प्रेस किया तो आपका जो रिवर्स कैमरा है वो ऑन हो गया है। इस वाले मॉडल में आपको 360 डिग्री नहीं मिलता है। इसके बाद आपके नॉर्मल वही फीचर्स, व्हीकल सेटिंग्स, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, फोन, मीडिया, रेडियो, इसके अलावा और भी जो फीचर्स होंगे वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। और बाकी जिसकी साउंड है उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। इधर आपको कॉकपिट टाइप पूरा आपकी जो बटन्स हैं वो मिलती हैं। अगर आप एरोप्लेन का कॉकपिट एक देखते हो, कभी देखा है आपने, तो वैसे ही कुछ फीलिंग आपको आएगी। काफ़ी प्यारी सी क्वालिटी इधर दी गई है। ये आपकी डोर लॉक अनलॉक बटन भी हो गई। इधर आपका AC कंट्रोल एरिया हो गया। ये आप देख सकते हैं ऑटो, तो ऑटोमेटिक आपको क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यारे से यहाँ पे नॉब्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं रोटी नॉब्स प्रोवाइड करे गए हैं। इसके बाद इधर आप देखते हो तो कन्वीनियंस स्पेसेस मिलती हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपकी हो गई। इसके साथ में इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट और कन्वीनियंस स्पेसेस, गेयरबॉक्स आपका है 5 स्पीड, और पीछे आपकी मिलती हैं आपको कन्वीनियंस स्पेसेस, इधर भी कन्वीनियंस स्पेसेस। तो बहुत सारी स्पेसेस कंपनी ने इधर निकाल के दी हैं और इसी के साथ सेंटर भी पूरा कवर हो गया है। जो भी थॉट्स हो बता देना। सिस्टम के लिए मैंने आपसे बोला कि साउंड आपको नीचे मिल जाएगी, चेक कर लेना इसका जो साउंड है। बाकी जो फीचर्स हैं वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में उधर ही देखने को मिल गए होंगे। ग्लव बॉक्स ओपन कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस निकाला गया है, बहुत डीप आपको इधर ग्लव बॉक्स मिलता है और लाइटेड भी आपको ये प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं वारंटी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वारंटी प्रोवाइड करा गया है। इधर आपके केबिन लैंप हो गए, इधर भी आपका वारंटी दिया गया है लिड के साथ। और अब इधर जो डैशबोर्ड है, जो फ्रंट है, ड्राइवर को ड्राइवर है, वो पूरा कवर हो गया है। अब चलेंगे गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, वहाँ बैठकर देखेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं इस वेरिएंट में। इसके साथ में दोस्तों आपसे बोलना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट ऑप्शन ज़रूर विजिट करिएगा, बहुत सारे ब्रांड्स के आपको लेटेस्ट लॉन्चेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करिएगा। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में और वहां बैठकर आपसे डिटेल में बात करते हैं। इधर दोस्तों अपनी सेकंड रो ऑफ सीट चेकआउट कर रहे हो। सबसे पहले आपके जो हेडरेस्ट हैं ये आपको एडजस्टेबल दिए गए, अच्छी बात है। ये आपको आर्म रेस्ट भी प्रोवाइड करा गया जिसमें आपको कप होल्डर और इधर भी कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस आपको देखने को मिलती हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ।
इसके बाद आपका जो डोर है वो देख लीजिए, तो इधर भी आपको तीन कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रही हैं। फैब्रिक फिनिश पूरी प्रोवाइड करी गई है, डोर पॉकेट्स हो गई। चलते हैं हम गाड़ी के अंदर, ज़रूरत की बात हो गई है बाहर से। आ गया हूँ मैं गाड़ी के अंदर, 6 फीट मेरी हाइट है, स्पेसेस आप देख सकते हो। आगे की स्पेस चेक कर लो पहले आप इधर, फिर आप इधर खुद भी जज कर सकते हो, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर आराम से बैठ गया हूँ। आपका जो सेंटर में जो रियर केबिन लैंप है वो आपको दिया गया है, सेंटर वाला मैंने आपको चेक जो फ्रंट वाला था वो मैंने आपको चेक करा दिया था। इसके बाद आपके सेफ्टी हैंडल्स हैं, ये आपको तीनों डोर्स पे मिलते हैं। और इसके साथ में इधर मुझे कोई भी फिटमेंट्स प्रोवाइड नहीं करी गई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन बस एक अच्छी बात है कि हम पे बहुत अच्छे से काम किया गया है। बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली लॉन्ग रन्स में जनरली हम बहुत ज़्यादा होता तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। या मेरा लेग देख सकते हो, आराम से पूरा इधर ट्रैवल कर पाओगे। आ जाते हैं सेंटर में, और इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको मैं वन फ्रेम व्यू दे देता हूँ। हमेशा जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ तो आपको डैशबोर्ड ज़रूर चेक करा देता हूँ हर गाड़ी का। अब आपको दोस्तों बताना है कि आपको ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा लग रहा है, कि पूरा आपको ब्लैक आउट ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। इसीलिए हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताया करो, क्योंकि लिए आपके जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल मस्त वाले होते हैं। और इसी बीच में मुझे एक चीज़ याद आई है कि एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया था आपको, 12 वोल्ट सॉकेट के नीचे आपको USB भी प्रोवाइड करी गई है, ये आप देख सकते हैं, आपकी USB भी दी गई है। शायद मैंने फ्रंट में आपको ये नहीं चेक कराई थी, ये देख लीजिए। अब मैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करूंगा, मेरे हिसाब से मैंने आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दी है इस वेरिएंट के बारे में। अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखिए, शेयर करिएगा ये वीडियो जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स में ये वाला मॉडल लेना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।